वाराणसी जनपद के हरमुआ ब्लॉक के बहलोलपुर गांव निवासी सुलभि देवी सहित कुल 50 परिवारों का आवास योजना का लाभ न होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या की मुमजामा लगा के है, 3 ठे मेरे पास बेटी बाई, मुमजामा में खाना बनावत है, हर चीज के लिए परेशानी, घर द्वार के लिए परेशानी है, आदमी उधर एक सगड़ी चलावत बा, वो होत बा ना तो पास करके रह जाते हैं, लड़की लेके बड़ी परेशान भर रही है। समस्या तो हमारे बहुत, अगर कोई सरकार हमके सुविधा दे दे, बेटी से निबुक जाई, घर द्वार से हो जाई। ठंडी आवाला तो 4 बच्चन लेके में पालन करत भाई हमने, फिर हमारा आदमी है जानता हो कि एक दिन काम वाला 4 दिन बैठे वाला, फिर बरखा आ जाला, घर द्वार चूहे लगाला, तो वो दिक्कत बा हमने की। मैं अपने समुदाय की इस समस्या पर पिछले 6 माह पहले एक वीडियो बनाई थी। वीडियो को बनाने के बाद उस वीडियो के माध्यम से समुदाय को संगठित व जागरूक करते हुए इस समस्या पर बदलाव ला पाई हूँ। जैसे कि बहन जी जब आ गई नी, तो बहन जी के अहले से हमको जो कि आवास बन गल, बड़ी सब सा मिल गल, हमन के बहुत आराम हमन के होगा। और ये बहन जी आ गई नी कि हमन के मीटिंग कहाँ कहाँ करौनी, सड़क पर करौनी, गांव में करौनी, प्रधान के संगे करौनी, वीडियो कमरा देखौनी हमने के। बहुत लोगों को आवास की आवश्यकता थी, किल्लत थी, तो कुछ एक आप लोगों के द्वारा जो एक बार मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, उसमें भी मैं गया था और लोगों ने आवास की समस्या उठाई थी, और वो समस्या जेन्युइन था। और उसमें ये अलग की चीज़ है, कुछ पात्र थे तो कुछ जो पात्र लाभार्थी नहीं थे उनको, हालांकि करीब तो सभी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी के पिता के द्वारा, परिवार के, उनके पूर्व के लोगों द्वारा छोड़ी गई कुछ रहने लायक चीज़ें थी, लेकिन जो अति पात्र थे उनको तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने अभी आवास से लाभान्वित किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मैम जिनका नाम अभी से एक सूची में, कुछ लोगों को पात्र होते हुए भी हम लोग नहीं दे पाए थे, क्योंकि तब हमारी बाध्यता थी कि एक से एक सूची बना हुआ था ब्लॉक पे, जिनका नाम से एक सूची में दर्ज था उनको हम आवास दे पाते थे, लेकिन अभी उस से एक सूची के अदर भी हम लोगों ने, फिर जैसी सरकार और उसके लोगों की मंशा थी, प्रशासन के लोगों की, उसकी फिर से हम लोगों ने प्रस्ताव करके भेजा हुआ है, जो पात्र लाभार्थी हैं वो उसकी सूची में है, आगे उनको भी लाभान्वित किया जाएगा। बना मकान बना, हम लोग को कोशिश कामयाब हुआ, हम लोग रह रहे हैं अब आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, अब पक्का मकान हो गया है, ये अब सब लोग बच्चे खुशहाल हैं, हम लोग खुशहाल हैं, आराम से सब लोग रह रहे हैं। बहन जी, ये आपके वीडियो से ये आपके लगन के काम का हम लोग का देखते हुए आप लोग बहुत बढ़िया, हम आपको वीडियो को धन्यवाद देता हूँ। आपने हमारा आवास का वीडियो से खींच के कराई, पानी का समस्या वीडियो से कराई, आपका नाला का आप काम ने कराई वीडियो से, हमको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। हाँ सर जी, आवास बन गए, घर बना देनी।